अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं टेक्निकल लीडर चैनल। तो व्यूअर, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने बैंक मस्कत की जो एप्लीकेशन है इसमें आप किस तरह से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है। आप अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास वो जो है आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वो जो है रजिस्टर कर देंगे और उसके बाद जो है आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना जो बेनिफिशियरी ऐड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर। तो इसके लिए आपका बैंक मस्कत का अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपके पास जो एप्लीकेशन है आप उसमें भी साइन अप आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो साइन अप का कोई इशू नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल सिंपल और इसी तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास बैंक मस्कत का अकाउंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए हम जो है बैंक मस्कत की ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है आपने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो देकर आपने यहाँ पर लॉगिन हो जाना है अगर आपके पास पहले से आप रजिस्टर हैं तो, ठीक। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं व्यूअर। आपने क्या करना है अभी जो है, सबसे पहले दूसरे नंबर वाला ऑप्शन फंड ट्रांसफर है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है और उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर दो तीन। तो आपने जो है अगर आप बैंक मस्कत का ही अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप बैंक मस्कत के अलावा किसी और बैंक का जो है वो अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पीड ट्रांसफ़र। तो ये इसके बारे में आप बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपने जो है सबसे, मैं बैंक मस्कत का ही अकाउंट ऐड कर रहा हूँ तो मैं जो है सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपने जो है बेनिफिशियरी का नेम देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने नेम लिखना है, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो इनका निक नेम है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। मतलब कि पूरा नेम जो है आपने ऊपर लिखना है और उसके बाद जो है उसका नेम है अकाउंट का वो आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपने उसका अकाउंट नंबर जो है वो लिख देना है। तो जी व्यूअर, आपने यहाँ सब कुछ लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट के बाद आपने यहाँ पे आपने दफ़ा चेक कर लेना है, ठीक है, अकाउंट नंबर और नेम वगैरह, और उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। और यहाँ पे इसके बाद आपके पास एक वन टाइम पिन आएगा जो आपने एंटर करने के बाद उसको ऐड करने के बाद आपने सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पिन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है वो पिन जो है वो ऐड कर दिया। तो फिर आपने यहाँ पे इसको बस सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है ये आपको 30 मिनट का टाइम देगा कि इसके अंदर अंदर जो है वो आपका अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है इसको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पहले से भी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है व्यूअर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।